IPL 2018 के ग्रैंड फिनाले में रेस 3 का तड़का। सलमान खान ने अपनी फिल्म रेस 3 के लिए काफी मेहनत की है। सभी को पता है कि वे किस तरह शुरू से लेकर अभी तक लगातार फिल्म के लिए मेहनत कर रहे थे। स्टोरी, कास्ट, डायरेक्शन, गाने, सभी के लिए सलमान ने मेहनत की है और अब वे इसके प्रमोशन में भी लग गए हैं। रेस 3 के ट्रेलर को वैसे तो ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला है, लोग तो ट्रेलर का मजाक ही बना रहे हैं, लेकिन सलमान अपनी फिल्म के लिए काफी कॉन्फिडेंट हैं। वे अनोखे तरीके से फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं। इसमें वे अपनी को एक ट्रेस जैकलीन के साथ होंगे। अच्छी बात यह है कि सलमान और जैकलीन की जोड़ी को काफी पसंद भी किया जाता है। एंटरटेनमेंट में बॉलीवुड और क्रिकेट का कॉम्बिनेशन फेवरेट है। फिलहाल IPL 2018 चल रहा है। क्रिकेट प्रेमी हमेशा ही इसमें बॉलीवुड का हिस्सा पसंद करते हैं। IPL की शुरुआत में कई स्टार्स ने अपनी शानदार परफॉर्मेंस दी थी। अब इसके खत्म होने में भी बॉलीवुड का तड़का देखने को मिलेगा। IPL 2018 का फाइनल 27 मई को है। फाइनल के पहले 2 घंटे का एक शो रखा जाएगा, जिसमें बॉलीवुड सितारे सलमान खान, जैकलीन फर्नांडीज और जॉन अब्राहम भी होंगे। इस शो का नाम होगा क्रिकेट फाइनल पार्टी, तो बनती है। इस शो को सलमान खान और जैकलीन फर्नांडीज लीड करेंगे। यहां सलमान क्रिकेट के लिए अपने प्यार की बात करेंगे, साथ ही दोनों रेस 3 के अपने नए ट्रैक हीरे पर भी परफॉर्म करेंगे। यह फिल्म की प्रमोशन का ही हिस्सा होगा, साथ ही इसमें अनिल कपूर भी शामिल होंगे। इनके अलावा जॉन अब्राहम भी अपनी फिल्म परमाणु द स्टोरी ऑफ पोखरण के लिए यहां शामिल होंगे। खबर के मुताबिक कुछ टीवी कलाकार भी इस सेलिब्रेशन में शामिल होंगे। यह शो स्टार प्लस पर प्रसारित होगा। मुख्य कार्यक्रम जनरल एंटरटेनमेंट चैनल GC पर प्रसारित किया जाएगा।